हेलो बच्चों, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर में नोटपैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने किया यहाँ एन, तो यहाँ नोटपैड मेरा ओपन हो गया है। यहाँ तो मैं जैसे नोटपैड पे क्लिक करता हूँ तो ये नोटपैड हमारा ओपन हो जाता है। इसमें हम सिंपल कोई टेक्स्ट शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं उस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा जैसे ए एम आई टी अमित कुमार, KUMAR कुमार। मैंने किया कंट्रोल ए तो फुल सिलेक्शन, कंट्रोल सी कॉपी, और फिर स्पेस बार दबाया। तो जैसे मैंने आपको कीबोर्ड की हेल्प से दिखा रहा हूँ, मैंने स्पेस बार ये दबाया तो इसमें आप गैप दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में, ये एंटर करने के लिए, ये बैक करने के लिए। अगर आपको कुमार को डिलीट करना है, हटाना है, तो बैक कर सकते हो यहाँ से आप। तो चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा अमित कुमार, तो मैंने पेस्ट किया इस तरीके से, फिर स्पेस दूंगा, फिर मैंने पेस्ट किया, एंटर करता हूँ, फिर मैंने यहाँ किया इसको कि पेस्ट इस तरीके से। तो मैं बिना स्पेस के मैं इसमें अमित कुमार को पेस्ट करते जा रहा हूँ। फिर आप क्या करते हैं कि जैसे ऊपर आप कर्सर पे जाते हैं, तो ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने इमेज की हेल्प से दिखाया, आप यहाँ से टॉप जा सकते हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इस तरीके से। तो आप हम क्या करते हैं कि शिफ्ट दबाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ किया, ये शिफ्ट दबा रखा है, और मैं इसको राइट साइड पे इस बटन की हेल्प से जाऊँगा। तो मैंने किया शिफ्ट, शिफ्ट दबाने के बाद ये इस तरीके से इतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप चाहें सिलेक्ट करने के लिए तो माउस से लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और इतना एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने किया यहाँ कॉपी, कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ इसको करते हैं एंटर, तो ये यहाँ कट्ठा पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हम करते हैं जैसे फाइल, तो मैं फाइल पे जाता हूँ, कंट्रोल एन एक न्यू सीट के लिए आपको बताया था, न्यू विंडो, मुझे एक विंडो ये चाहिए, एक विंडो और चाहिए। तो मैंने न्यू विंडो पे किया क्लिक, तो एक नई विंडो ओपन हो गया जाएगी इस तरीके से। तो एक नई विंडो आप ला सकते हैं, मैंने इस पर किया क्लोज, तो क्लोज हो जाएगा ये आपका। मैं पूरे स्क्रीन पे नोटपैड को ही दिखाना चाहता हूँ, तो आप नोटपैड को दिखा सकते हैं। आप हाइड करना चाहते हैं तो ये हाइड हो जाएगा, शो करने के लिए दोबारा आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, पहली वीडियो में। तो फाइल में गए हम, करते हैं यहाँ ओपन, आप ओपन कर सकते हैं कोई नोटपैड में आपने सेव कर रखी है फाइल, उसको ओपन करने के लिए सेव एस पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ अपना कोई भी नाम दे देते हो, तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे लिखा यहाँ INDEX इंडेक्स, मैं सेव करता हूँ, तो डेस्कटॉप पे इंडेक्स के नाम से ये फाइल सेव हो गई होगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जब आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये इंडेक्स के नाम से यहाँ सेव हो जाती है फाइल आपकी। अब हम चलते हैं आगे, फाइल में गए तो ये सेव करने के लिए है। अब मैं इसमें यहाँ करता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया, मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी इस तरीके से लिखा, तो मैं उसी नाम में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा कंट्रोल एस सेव, तो ये सेव हो जाएगी फाइल। तो सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है पेज सेटअप, पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ, मुझे किस तरह का पेज लेना है, मैं किस पेज पे काम करना चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं लेटर ले रहा हूँ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन छोड़ सकते हैं इसका। आप यहाँ किस तरह का पेज लेना चाहते हो, तो ये अलग अलग पेज स्टाइल है, आप यहाँ से पेज का A4 A3 पेज भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ अपने पेज का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने पेज का साइज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं, अपने पेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, प्रिंट निकालने के लिए, बाहर आने के लिए। तो ये फाइल के लिए आपका। इसके बाद मैं चलता हूँ एडिट, एडिट में अंडू पीछे जाने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। तो मैं इसका बता रहा हूँ अंडू का, जैसे मैंने इतना एरिया लिया, आप इसको करते हैं यहाँ जाके कंट्रोल जेड, तो ये अंडू हो गया पीछे। कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये सारी चीज़ दोबारा आ जाएंगी। तो इसका जो अंडू है वो एक बार ही काम करता है, पीछे जाने के लिए या आगे की तरफ करने के लिए। कट, जैसे इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया, आप करते हैं कट तो ये कट हो जाएगा, आप करते हैं यहाँ पेस्ट तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको किया यहाँ जाके कंट्रोल सी कॉपी,
कॉपी करने के बाद हम करते हैं पेस्ट, तो जो पहले वाला वर्ड था मेरा वो चीज़ भी यही है और दूसरी जगह हमने उसको पेस्ट भी कर दिया इस तरीके से। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया डिलीट तो आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए अगर आपको इंटरनेट पे ये चीज़ शो करनी है, दिखानी है, तो इंटरनेट पे आप जाके नोटपैड के बारे में यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हो। इसके बाद ये फाइंड करने के लिए कि आपको क्या ढूंढना है, तो जैसे मैंने किया अमित, मुझे अमित ढूंढना है, तो मैंने अमित पे क्लिक किया अब ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरा कर्सर नीचे था, तो मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो ये अमित करता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। अगर मुझे डाउन पे जाना है नीचे की तरफ, तो ये अमित नीचे की तरफ सर्च करता हुआ दिखाई देगा। तो मैं यहाँ फाइंड कर सकता हूँ कि कितनी बार अमित आया है फाइंड करने के लिए। फाइंड नेक्स्ट, एक एक बार ये आपका इस तरीके से दिखाएगा कि आप यहां से एक एक बार अपना फाइंड कर सकते हो। इसके बाद है ये बैक करने के लिए, इस तरीके से ये बैक की तरफ शो करेगा, तो जो मेरा फाइंड में जाके अप डाउन था वही चीज़ आपका ये यहाँ नॉर्मल इस जगह दे रहा है। इसके बाद हमारा चलता है कि मैं अमित की जगह कोई दूसरा वर्ड देना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने ये अमित है यहाँ सुमित लिख रखा है, अगर सुमित की जगह मुझे चाहिए कि मैं अमित की जगह अनिल देना चाहता हूँ, तो मैंने ये अमित है ये अनिल है, आप एक एक करके भी काम कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, सभी को अनिल में चेंज करके देगा। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा वर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद गो टू, कि इसका यूज है हमारा जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरी 7 लाइन में है आपका, मुझे कौन सी लाइन पे जाना है, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मुझे तीसरी लाइन पे जाना है कर्सर को लेके, तो मैंने किया 3, गो टू पे जाता हूँ तो ये मेरा कर्सर 3 पे आ जाएगा। अगर एडिट में जाके आपने किया गो टू 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 पे जाना है, तो मैंने किया 7, गो टू, तो सबसे लास्ट वाली रो पे मतलब ये आ जाता है। तो ये आप कौन से रो पे जाना चाहते हो उस रो पे जा सकते हो। सिलेक्ट ऑल, सभी को सिलेक्ट कर लेगा इस तरीके से। इसके बाद है एडिट में जाके टाइम टाइम एंड डेट, जो हमारे जो मॉनिटर है उसमें टाइम और डेट क्या दे रहा है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ शो कर देगा टाइम और डेट कि 11:06 AM हो चुके हैं और इस डेट में हमने ये फाइल मतलब बनाई है आपकी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ देखिए फॉन्ट, अब जैसे आपका जो ये बार है यहाँ कोई बार नहीं आ रहा, मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से, आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अगर मेरा कोई मैटर ज़्यादा है तो मैं उसको लेफ्ट राइट कर सकता हूँ या टॉप बॉटम पे कर सकता हूँ इस तरीके से। तो इस पे फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ शो कर रहा है आप अपने स्टाइल का फॉन्ट स्टाइल क्या देना चाहते हो, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। आप मेरे को बोल्ड चाहिए, आप यहाँ फॉन्ट का साइज दे सकते हो, ओके करते हो तो इस तरीके से चेंज होके आ जाता है। तो दोबारा देख लीजिए, फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, आपने फोन पे क्लिक किया, यहाँ से कोई भी स्टाइल जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जैसे मैंने यहाँ एरियल ले लिया आपका, आप यहाँ इसका साइज कितना देना चाहते हो, मैंने कहा 11, ओके करता हूँ तो ये इस तरीके का साइज आ जाएगा। तो ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है व्यू, व्यू व्यू में जूम, आप जूम कर सकते हैं इस तरीके से, जूम करने के लिए ये है, जूम आउट करने के लिए ये, जैसे पहले था हमारा सीट इस तरीके से पहले जैसे करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये सेम वही है, ये आप इस तरीके से जो बार है उसको हटा सकते हैं और ला सकते हैं, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है आपका। तो ये नोटपैड आज आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती है चैनल तो आप इसको कमेंट लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।